बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अच्छा दोस्तों भाई, हम लोग कराची के एक बहुत मशहूर काइट शॉप पर आ चुके हैं जो असलम भाई की दुकान है। ये असलम काइट शॉप के नाम से मशहूर है कोरंगी में। तो दोस्तों असलम काइट स्टोर के नाम से मशहूर है। तो चले आइए, असलम भाई से भी बात करेंगे हम लोग, रिव्यू लेंगे और रेट वगैरह भी देखेंगे क्या रेट है अपने असलम भाई के काइट के। तो चले आइए देखते हैं, असलम भाई से मिलते हैं। आ जाइए। अच्छा तो दोस्तों भाई, हम लोग असलम भाई के पास आ चुके हैं और असलम भाई से बातचीत करेंगे। असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, कितना टाइम हो गया असलम भाई इस दुकान? ये 1960 से दुकान है, ये हमारी तीसरी चौथी पुश्त चल रही है। अच्छा, तकरीबन 1960 से दुकान। 1960 में कोरंगी आबाद हुई थी, तो 1960 में मेरे दादा ने दुकान खोली थी। हमारा ये खानदानी बिजनेस है। इंडिया के अंदर जब से बिफोर पार्टीशन, तो हमारे दादा के कारोबार होता था दिल्ली में और बम्बई में। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ गए, तो यहाँ पर दुकान खुली। अच्छा, क्या कहते थे इंडिया, इंडिया का क्या कहते थे? बिफोर पार्टीशन हमारे आबाओ अजदाद का जो बिजनेस था वो इंडिया में था, बॉम्बे में और दिल्ली में दुकानें हुआ करती थी। जब पाकिस्तान बना तो हमारे दादा यहाँ कराची पाकिस्तान आ गए, तो फिर यहाँ पर कारोबार शुरू किया। तो आज ये चौथी पुश्त चल रही है, हमारा खानदानी बिजनेस है। हम लोग जॉब वगैरह नहीं करते हैं, हमारा यही काम है। हमारे दादा जॉब को बहुत बुरा समझते थे, कह रहे बंदे की गुलामी नहीं करनी, अपना कारोबार करना है। तो हमारा असलम भाई इंडिया से भी माल आता है आपके पास? जब पहले जब ताल्लुकात सही थे तो जब आता था। अब ताल्लुकात खराब हैं, कारोबार नहीं है, तिजारत नहीं है, तो वो सब बंद हो गया है। 1960 से दुकान है हमारी। क्या क्या बेच रहे हैं असलम भाई? पतंग की तमाम वैरायटी बेचते हैं भाई। अच्छा, ये कौन सी पतंग है वाली असलम? ये मैदानी पतंग कहलाती है, 6 का 10। 6 का 10, ये 6 का 10 मैदानी कहलाती है। अच्छा, हाँ 6 का 10 मैदानी कहलाती है। हाँ, कीमत क्या है इसकी? कीमत है 35, 35 रुपए। 35 रुपए? अगर होलसेल में ले तो? होलसेल में 35 रुपए की, हमारा होलसेल का काम। टोटल टोटल होलसेल का, 10 लो या 100 लो, हाँ, जो भी सैकड़ा लो जो। हाँ देखो यार भाई, फिनिशिंग देखो काम। और ये इसमें बहुत सारे कलर डिजाइन होते हैं। अच्छा, इसमें कलर डिजाइन बहुत सारे होते हैं। हाँ, ये भी यही चीज है, एक ही साइज है। इसको क्या कहते हैं? ये भी ये भर्रा कहलाता है, 6 के 10 का भर्रा। 6 के 10 का भर्रा। अभी किसको कहते हैं? अभी, हाँ अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये अधी कहलाती है। अच्छा, ये अधी, हाँ ये अधी का भर्रा है ये। अच्छा, हाँ ये 2000 रुपए 100 हमारे पास से जाती है। अच्छा, इसमें कलर डिजाइन बहुत बहुत होते हैं। ये छिले हुए होते हैं? हाँ ये छिले हुए सब। अच्छा अच्छा, ये कलर डिजाइन इसमें बहुत होते हैं, मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं इसके अंदर। देखो देख रहे हो, ये सारी यद्धी कहलाती है। हाँ यद्धी कहलाती है। ये हमारे पास से 2000 रुपए की 100 निकलती है होलसेल में छिली हुई। अच्छा, इसी में एक अद्धी ये होती है, इसको चुनंडा कहते हैं। अच्छा, हाँ ये 1500 रुपए की 100 निकलती है, इसमें कलर डिजाइन बहुत होते हैं। अच्छा, इसको चोरा ये चोरंडा कहलाती है। यानी कि आधी और ढाई के बीच का साइज नहीं, आधी ये आधी है लेकिन ये चालू है। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये छिली भी नहीं होती। ये छिली भी नहीं होती, 1500 रुपए 100 हाँ हाँ, 1500 रुपए होलसेल पे। देखो इसमें कलर डिजाइन बहुत होते हैं, इसमें कलर डिजाइन बहुत होते हैं, इसमें बहुत सारे कलर डिजाइन मिलते हैं जो भी। हाँ, हाँ, पे भी बना के हाँ, हाँ, ये, हाँ, हाँ ये ऑर्डर, ये जो मैंने आपको दिखाई नहीं 6 के 10। हाँ, ये ऑर्डर वाली। अच्छा, ऑर्डर वाली ये पौने। अच्छा, ये पौने। हाँ, ये कलीदार बोलते हैं? नहीं नहीं, ये पौना है, कलीदार इससे बड़ा होता है। अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास है 45, 4500 रुपए की 100 निकलती है ये। 4500 की 100, यानी 45 रुपए की। हाँ हाँ, ये पौने, ये एक ही है, एक ही साइज है, एक ही साइज। देखो ये मैदानी है ये। अच्छा, मैदानी। ये जो टूर्नामेंट वगैरह लड़ाते हैं, सैकड़े लड़ाते हैं, ये उनके लिए है। हाँ, इसमें कलर डिजाइन बहुत सारे होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो कस्टमर जिस डिजाइन के कहता है, उस डिजाइन के ऑर्डर पे भी बना देते हैं। ये ऑर्डर वाली पतंगे हैं तमाम ये। अच्छा, और असल में क्या है? और इसमें ये लोकल भी होती है, लाहौरी पतंग जो कहलाती है। अच्छा, हाँ ये वाली ना? हाँ ये लोकल पतंग है।
अच्छा, ये लाहौरी पतंग कहलाती है। हाँ, ये 2500 रुपए की 100। ढाई हजार की 100। हाँ, इसमें कलर डिजाइन बहुत होते हैं। अच्छा, हाँ ये सारे लाहौरी स्टाइल। हाँ, ये लाहौरी स्टाइल है साथ। अच्छा अच्छा एक एक वैरायटी ये भी होती है, ये क्या साहब होती है? ये भी 1500 रुपए की 100 होती है, लोकल पतंग कहलाती है ये। हाँ, ये होलसेल रेट है हमारे ये। हाँ अच्छा, इसमें एक वैरायटी ये होती है, ये हमारे पास 800 रुपए की 100 निकलती है, जो अमूमन बच्चे वगैरह उड़ाते हैं, बच्चों के। हाँ, बच्चों के मतलब की इसमें कलर डिजाइन बहुत होते हैं। अच्छा, 800 रुपए की 100। इसमें बहुत सारे जितने कलर होते हैं सब होते हैं। अच्छा, असल भाई यहाँ पर लूज भी बेचते हैं? हाँ, लूज। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये कितने की? ये 10 रुपए की। 10 रुपए। हाँ अच्छा, और असल भाई क्या है पतंगों में? पतंगों में हमारे तमाम वैरायटी होती है, जितनी साइज की पतंग होती है हर साइज होता है। ये 900 रुपए की 100 होती है, धागे वाली पतंग कहलाती है ये। ये 9 रुपए की कस्टमर को पड़ती है, वो कस्टमर ले जाके 12 रुपए की 15 रुपए की बेचता है। इसमें कलर डिजाइन हर पतंग के अंदर सब कलर। हाँ हाँ, सारी सारी वैरायटी होती है, हर कलर की होती है। अच्छा असलम भाई, मांझों में क्या क्या वैरायटी आपके पास? ये टिपर फोर का मांझा कहलाता है ये। हाँ हाँ, ये टिपर फोर की देखा। ये भी ट्रिपल फोर है, इसमें हर कलर। अभी क्या इंडिया में है अभी? और तो अपने रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर है? पूरा खानदान वहाँ है सारा, पतंगों का काम कर रहे हैं। पूरा खानदान हमारा। नहीं, पतंग का काम हमारे सिर्फ दादा किया करते थे, वो यहाँ आ गए थे। अच्छा, बाकी वो जो है सब अच्छा उनके दूसरे बिजनेस है। ये देखो कितना नहीं, ये ट्रिपल फोर है। अच्छा, ये भी ट्रिपल फोर है। हाँ, ये भी ट्रिपल फोर लगी हुई। ये क्या सा पड़ेगा समय? ये ट्रिपल फोर, ये ट्रिपल फोर हमारे पास से निकलती है 700 रुपए की चलती है। 700? माल कितना है इसमें? 1000 गज। 1000 पूरा होगा? पूरा 1000 गज होगा। हमारे पास बेमानी वाला काम नहीं है, 1000 गज बोलते हैं तो 1000 गज होता है, 700 गज 800 गज नहीं होता है। पूरा, हाँ पूरा 1000 गज होगा। कोई 1000 गज का बोलेंगे तो 1000 गज होगा, और 3000 गज वाला चरखा दिखाना है। 3000 गज वाला भी दिखाओ। ठीक है, ये 3000 गज का चरखा है। इसमें 3000 गज डोर आती है, 4000 गज नहीं आती है, लेकिन लोग जो हैं, लोग 4000 गज का कह के बेचते हैं, लेकिन हमारे पास बेमानी नहीं है। 3000 गज डोर होती है तो हम 3000 गज का कह के बेचते हैं। हमारे पास ईमानदारी दयानदारी से हम लोग अपना बिजनेस करते हैं। बस भाई, लोग कहीं भी जाओगे आप तो वो बताएंगे 4000 गज, लेकिन इस पे आती डोर 3000 गज है, 4000 गज आती ही नहीं। पर्ची भी आपकी लगी है? हाँ, पर्ची भी। हम पर्ची हमारी नहीं माल है हमारे। असल में और किसी और धागे पे भी है? 66 पे? 66 का मैंने दिखाया तो था ना आपको। हाँ, ये है। हाँ, ये 66 की है। ये 600 रुपए की है। 600 रुपए की है, देखो 1000 गज की। 66 की डोर है, 100 रुपए कम है इसके आधार से, लेकिन डोर मियारी होती है। हाँ, ये पता है, बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, ये भी अच्छी है। और असल में और कोई मांझे में कोई वैरायटी है अपने पास? हाँ, मांझे में वैरायटी और है। ये ऑर्डर वाला मांझा है ये। अच्छा, कलर देखो, ऑर्डर वाला मांझा यानी कि डबल पॉलिश है। ये जो टूर्नामेंट लड़ाते हैं, सैकड़े लड़ाते हैं, ये उनका मांझा है। कितना का? ये 1800 रुपए की चरखी है। ये 2000? हाँ, ये 2000 का। बहुत अच्छा माल है यार, ऐसा माल मुश्किल है मिले कराची में। अच्छा, अब चरखियाँ दिखाऊँ आपको मैं? दिखाओ, कुछ और दिखाओ। असलम भाई,
ये बेरिंग वाली चरखी ये 2000 रुपए की है। ये देखो यार बेरिंग वाली चरखी है, इसको ऐसा पकड़ के घुमा तो ये बंद हो रही है। ये बेरिंग वाली के हर साइज मिल जाएंगे चरखे। हाँ हर साइज की चरखी हमारे पास होती है। ये उससे बड़ा साइज तो ये असल में कितने की? ये 2000 रुपए की, 2000 सबसे पूरे कराची में सबसे कम रेट है। अच्छा सबसे कम रेट ये 3000 रुपए की है। आप मेरे ख्याल से रेमो सेंटर में आपसे माल ले जा रहे हैं? हाँ से ले। देखो वहाँ पर 250 का बेच रहे हो। अब भाई लोग पता नहीं कितने कितने 3000 रुपए की 4000 रुपए की। रेमो सेंटर में 250 की बिक रही है और असलम भाई 2000 रुपए की दे रहे हैं। ये 3000 रुपए की बड़ी बड़ी बात, ये बड़ा चाहिए। ये 3000 रुपए की। और इसमें भाई? हाँ और बता रहा हूँ, हर साइज की चरखी होती है। अच्छा देखो यार, देखो ये चरखी भाई, एक और नई चीज आई है देखो। इसको ये 8000 रुपए की, 8000 रुपए की। इसको तो कौन सी चरखी कहते हैं समय? बेरिंग वाली कहलाती है, स्टील वाली, स्टील की फाइबर वाली। हाँ फाइबर नहीं, नहीं। बेरिंग। हाँ अच्छा देखो यार बेहतरीन है ये, कितने की? 8000 रुपए की हमारे पास। और क्या चीज है? एक वैरायटी ये है देखो, ये भी 8000 रुपए की है। पड़े हैं पहिए भी इसके मोटे हैं और स्टील की है, ये बेरिंग लगे हुए हैं इसके अंदर। ये दूसरा डिजाइन है। हाँ ये दूसरा डिजाइन है। ये कितने की है? ये भी 8000 रुपए की। ये भी 8000 रुपए की। उससे और खूबसूरत है ये देख। ये कराची में सबसे कम रेट पे हमारे पास है। और असल में और क्या बेचने? बस यही बेचने यार, पतंग के शॉप है, पतंग ही बेचेंगे। अच्छा और सर्दी वगैरह सभी होते, जितनी वरायटी होती है सब होती है। ये कौन सी वाली है? ये लोकल सर्दी है, ये लोकल सर्दी बच्चों है। के लिए। अच्छा अच्छा बच्चों के लिए जो मैदान वाले ले जाते हैं वो वाली सर्दी। हाँ मैदान वाली सर्दी है ना, ये रखी ना, ये मैदान वाली सर्दी है, सुतियु सर्दी जो कहलाती है। ये देखो कल भाई, ये मैदान वाली सर्दी है सुतियु। ये 66 पर है? नहीं नहीं, अच्छा ये आरटी के ऊपर बनी हुई है। आरटी के ऊपर बनी? हाँ। अच्छा तो असम भाई, ये क्या इसमें शीशा नहीं लगा हुआ? नहीं इसमें शीशा नहीं होता। अच्छा अच्छा हाँ, अगर शीशा होगा तो फिर मांझा हो जाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ ये बगैर शीशे की होती है, इसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह पता नहीं क्या क्या डालते हैं इसका मुझे इल्म नहीं। हाँ इसकी खसूसियत ये होती है कि ये उलझती नहीं है, बल नहीं खाती है, सनसनाहट नहीं आती है, ये लॉन्ग लाइफ चलने वाली चीज है। अगर ये बच्चे लूटेंगे नहीं तो ये कम नहीं होती। ये कम जब होती है, जब उलझती है तो लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ये उलझती नहीं है। तो ये असल में ये आरटी वाली है ना? हाँ ये आरटी, ये 1000 रुपए की चरखी है, 1000 गज की। 1000 गज की आरटी में कितना होता है? 500 होता है? 500। हाँ नहीं 500 दो 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 कौन होते हैं इसमें? ये 1000 रुपए। देखो बेहतरीन चीज, इसमें मुख्तलिफ कलर है। हाँ खाली एक कलर नहीं होता इसमें, मुख्तलिफ कलर। सिर्फ आरटी चलता है? हाँ आरटी चलता है। और ये 44 के कौन होते हैं? ये चलते हैं। हाँ ये सादे कौन है? ये कितने का दस भाई? ये 700 रुपए का है। 700 रुपए का सर, देखो यार 44 का कौन, इसी में मांझा सूता जाता है। हाँ। इसी को भी सदी बनाई जाती है। हाँ, हाँ। बन जाती है? नहीं सदी बन जाती है, लेकिन हाँ। वो जो है ना वो जरा मजबूत होती है। हाँ वो बेहतरीन होती है। इसके 700 रुपए का, 2000 गज होती है। 2000 गज होती है। अब देखो ये चरखियां लगी हुई हैं बेरिंग वाली। अच्छा ये देखो, अच्छा ये नौ तारा मांझा है। अच्छा ये नौ तारा मांझा है। ये नौ तारा मांझा? हाँ ये नौ तारा, जो 44 का नौ तारा है ना। हाँ, हाँ। वही नौ तारा है। अच्छा अच्छा सही है। ये मैदान वालों के लिए? ये मैदान वाले भी उड़ाते हैं, गली कुछ। हाँ मतलब ये खतरनाक डोरे नहीं है। अच्छा हाँ ये अपने, हाँ अपने ये कौन सी डोर क्या? ये सफायर की डोर है। ये सफायर की? अच्छा सफायर, सफायर। ये कितने की होती है असल भाई? ये हमारे पास है ये 2500 रुपए की। 2500 रुपए? कितना? हाँ। माल है इसमें? इसमें 3000 गज डोर होती है। अच्छा 3000 गज होती है। असल भाई ये एक ये भी आपके पास? हाँ एक ये है। हाँ।
ये इसमें 4000 का डोर होती है। अच्छा हाँ, ये मैंगो की डोर कहलाती है। अच्छा, ये मैंगो की डोर है ये। अच्छा, 4000 का है, ये हमारे पास 3000 रुपए की है। 3000 रुपए की, 4000 का। हाँ बेहतरीन, ये देखो मक्सर रेम्बो सेंटर, और ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, सिर्फ यहीं पर ही मिलेगा असम भाई के पास। ये लो असम भाई, ये स्कॉट की डोर है। अच्छा, ये भी नौ तारा है। अच्छा, ये भी स्कॉट की डोर है। हाँ, नौ तारा है ये। अच्छा, देखो भाई, ये भी नौ तारा है। हाँ, असम भाई वही चीज बेचते हैं जिसपे पाबंदी नहीं है। हाँ, वो चीज नहीं बेचते हैं जिसके ऊपर पाबंदी, हाँ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है वो चीज हमारे पास नहीं है, वो नहीं बेचते। ये दिखाना जरा खोल के डोर, असम भाई बंदी हुई है, बंदी हुई नहीं है, इसको दर सिरा निकालना है इसका। हाँ, क्या बता रहे थे असम भाई, ये कौन सी डोर है? ये स्कॉट की डोर है, 35। हाँ, 35 समय, कितना माल है स्कॉट? ये 3000 गज डोर है। ये 3000 गज डोर, ये कितने की असम? 2500 रुपए की। 2500 रुपए की असम, नौ तारा डोर है ये सब। माल देखो यार कैसा चमक रहा है, बेहतरीन बेहतरीन। ये वो डोर हैं जो आप महल्ले के अंदर गली कूचों में इधर उधर आप लड़ा सकते हैं, इससे आपको कोई जानी नुकसान नहीं। सही, सही। वो चीज नहीं बेचते हैं जिसमें जानी नुकसान भिल्कुल, है भिल्कुल। वो चीज नहीं बेचते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये छोटी पतंगे भी रखते हैं? हाँ, ये जरा पतंगे दिखा, जरा दुकान पे ये पतंगे दिखाओ। प्लास्टिक की ये छोटी पतंग है, छोटी पतंग प्लास्टिक की, ये भी होती है बच्चों के लिए। ये देखो यार, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी पतंग प्लास्टिक की। ये टेप को इस्तेमाल करने वाला टेप है ये भाई। देखो पतंग, ये हर कलर का होता है, ये स्पेशल है ना, पतंगों का इस्तेमाल करने के लिए आती है। हाँ, ये मुख्तलिफ कलर का होता है। हाँ, ये भी सब, ये भी सब होती है। पतंग से मुतालिक हर वैरायटी, हर सामान मिल जाएगा, हर सामान मिलता है। असम भाई, ये कितने का है? ये हमारे पास 40 रुपए का है। 40? हाँ, लेकिन ये हमारे पास 40 का है, हमसे हट के जो है ना लोग पतंग, हाँ, महंगा देते हैं। हमारा होलसेल का काम है तो हमारे पास सस्ती चीज होती है। असम भाई, ये सारी चरखियां भी होती है? हाँ, सारी चरखियां भी होती है। क्या सब होती है? ये वाली 3000 का वाली है? हाँ, 3000 का। ये क्या सब होती है? ये 100 रुपए की होती है। 100 रुपए की। हाँ, ये देखो अगर तो ये भी कितनी सस्ती है, 100 रुपए भैया। असम भाई, ये कितने की है? ये 80 रुपए की। 80 रुपए। हाँ, अच्छा, हमारे बहुत से दोस्त पूछते हैं यार इसके पिकनिक के कंधे बांधने का क्या तरीका है, तो असम भाई वो हाँ, तरीका नहीं नहीं उसके अलग तरीका है। अच्छा भाई, असम भाई देखो भाई, आज जो है ना असम भाई ना पिकनिक के तरफ कंधे बांधने का तरीका बता रहे। देखो ये इधर से आड़े होके बनती है, इधर से आड़े होके बनती है, ताकि दोनों गिरफ्त धागे गिरफ्त में दोनों चीजें आ जाएं। वो तरीका वही होता है। हाँ, तरीका वही होता है। असम भाई कितने की है ये? 80 रुपए। 80 रुपए की। 80 रुपए की है। और ये बड़ा वाला से? ये बड़ा वाला 200 का। 200 रुपए का पूरा दिखाना जरा, आ इनको पास से ले। बड़ी वाली फटी हुई है थोड़ी। ये 200 रुपए की है। 200 रुपए की है। देखो यार, नया नया माल उतर के आया असम भाई का, कितना अच्छा बना हुआ माशाल्लाह। कलर देखिए, ये कलर देखो असम भाई। ये 200 रुपए होलसेल ही है इसकी। हाँ, ये देख रहे, हमारे पास होलसेल से है ना, लोग ले जाके 300 रुपए, 400 रुपए की, 500 रुपए की यहाँ बेचते हैं। जो लाहौर जाती है तो वो 800 रुपए की बिकती है जाके। अब ये बता, हम यहाँ से 80 रुपए की देते हैं। अच्छा, वहाँ जाके अभी पिछले साल जो ना 350 रुपए की बिकी है। अच्छा, बसंत में। अच्छा सर, मैं ये भी मान दिखा। हाँ, यही मान जाए, यही है आपके सामने। ये कौन से आम मान जाए? हाँ, क्या सब होता है? क्या सब बेचते हो? ये इसके 1700 रुपए की चरखी है। ये 10 का, 20 का, 50 का लेते हैं। हाँ, महल्ले में जो बच्चे 3000 का। 1700 रुपए की 3000 का। देखो 550 रुपए का, समझ लो 1000 का। सब ये सब ऐसे ही है। हाँ सब। ये कौन सी डोर पे बने हैं? ये 66 पे। 66 पे बने हैं। मकान पे दिखाओ ये सारे। ये देखो
बेहतरीन माल है यार, देखो कितना अच्छा माल, कितना अच्छा कलर है। हसन भाई ये भी सादी टेप होती है। हसन भाई कितने की देते हो? ये 25 रुपए की, 25 रुपए की, 300 रुपए का पैकेट है ये। देखो ये भी रिले होती है सादी सी जो आम देखती है। हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए होती है। 300 रुपए का पैकेट है, कितनी है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 रुपए की एक रिल पड़ रही है। ये साढ़े 350 रुपए का पैकेट है। ये कितना माल इसमें? 6 है। कितने का पड़ा है सर? एक ये 57 रुपए का पड़ा, 57 रुपए का एक पीस पर आ जाएगा सर भाई के पास। ठीक है सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया दुकान का, माशाल्लाह से आपकी दुकान का बहुत अच्छा माल है, कराची में ऐसा माल किसी के पास नहीं। मोस्ट वेलकम, बड़ी मदद। ठीक है ना दोस्तों, एक वैरायटी रह गई है, एक चीज और दिखाते हैं सर भाई, दिखाओ कैसी दिखा रहे। अच्छा ये दिखा करीब आ जाओ, कैसे यहाँ पर खड़ा हो, ये कौन सी? इस जीपी कोर्स की डोर है जो 40 साल हुआ है इसको बंद हुए हुए। अच्छा देखो असम भाई के पास है ना, जो कोर्स की डोर आती थी ना 8 नंबर की ना, ये चैन की डोर है, चैन की, और ये डोर है अब बंद हो चुकी है, बंद हो चुकी है ये इम्पोर्टेड डोरें होती थी यार, लेकिन ये आवाज नहीं आ रही है, बंद हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो ये क्या सब होती है समझ? ये 2200 रुपए की चरखी है, 2200 गज। हाँ, इसमें 2200 गज है, 2200 गज। हाँ, और ये कौन सा तारा होता है समझ? 9 तारा है ये, बारीक वाली जो पहले चलती थी डोरे, बिल्कुल इंडियन स्टाइल का बना हुआ है। बेहतरीन माल है देखो, जैसे बरेली वगैरह में होती है ना ऐसी, ये वही चीज है, ऐसी चीज है। ये बंद हो गई है, बंद हो गई है, ये पहले चलती थी। अच्छा ठीक है सर भाई, अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपकी दुकान का, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा माल है यार यहाँ पर। मैं अपने सारे दोस्तों को बोल रहा हूँ यहाँ पर असम भाई के पास आके जरूर एक बार चक्कर लगाएं और देखें किस पे कितना अच्छा माल है। ये रेनबो सेंटर वगैरह में नहीं मिलेगा माल, ना जूना मार्केट में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ना रेनबो सेंटर में ऐसा माल मिलेगा, बिल्कुल मैदानी माल मिल रहा है। और पतंजलि भी ऐसी बेहतरीन बनी है कि इसमें कोई नुक्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, और फिर आपसे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे, और कोशिश करेंगे अगले सीज़न में फिर दोबारा असम भाई के पास आएँ और इनकी दोबारा वीडियो बनाएँ। ठीक है ना दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।